हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी ब्लॉग्स। आई नो मैं इस टॉपिक के लिए बहुत लेट हूँ, बट आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि एक साइड की स्टोरी सुन के हम दूसरे साइड का अज्यूम नहीं कर सकते। सो नाउ वी हैव ऑल द साइड्स ऑफ द स्टोरी, जिसमें अदनान की बहन, अदनान के पापा और अदनान ने खुद ने अपने स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। सो आई टेल यू व्हाट माय परसेप्शन इज, और बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने के बाद, बहुत सारे इंटरव्यूज और वीडियोज और जो बिहेवियर है उसको देखने के बाद पता चला है। सारी चीज़ आपको एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगी, क्या मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्या मेरी ऑब्जर्वेशन है। एंड मैंने थोड़ा फैजी से भी डिस्कस किया और क्या हमें लगता है कि इस टॉपिक पे ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन गलत है कौन सही है। सो सबसे पहली बात, जो इफ़त है जिसने अदनान के बारे में काफ़ी कुछ बोला है कि वो भाई उसको मारता था, उसको पीटता था, ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं, और उसके ससुर को मारा, उसको भी मारा, उसने काफ़ी कुछ मतलब पुराना लेकर के अब तक बैठ के सब कुछ बताया है, मीडिया पे खोला है। तो ऐसा तो मेरा मानना ये है कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतनी सारी दिक्कतें थी अपने भाई से, तो व्हाई यू वर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, जहाँ पे आकर के आप एकदम सब कुछ रिवील करो और दूसरे का ओकेजन ख़राब करो। मतलब अदनान की शादी होनी थी, काफ़ी वाइड कवरेज थी, बहुत सारा मीडिया में भी लोग बात कर रहे थे, और उनके खुद के पर्सनल ब्लॉग्स तो हैं ही टीम 07 के सबके। तो ये सारी बातें जब से उसकी शादी की चली, सो व्हाट शी डिड, पहले तो इस लड़की ने उसकी बीवी की फ़ोटोज़ वायरल करना शुरू करी, और घर वाले के पास ही फोटोज़ थी उसने, और फिर उसके बाद में उसने झूठ बोला कि मैंने ये फ़ोटोज़ वायरल नहीं करी। मतलब वो इतना ज़्यादा खुन्नस में, इतना ज़्यादा जलन में थी अपने खुद के भाई से, कि उसने अपनी ही भाई की वाइफ की, मतलब तुम तो अपना फेस छुपा के घूम रही हो, जब भी जा रही हो कहीं तो पूरा नकाब ऐसे ढाटा बांध के जा रही हो, और दूसरे की बीवी का फेस तुम रिवील कर रही हो। सो सी हाउ हिपोक्रेट शी इज़। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उसका पहले से फेस था, नहीं था, ये था, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं उसकी बहन के बारे में, ये भाई बहन का रिलेशनशिप के बारे में बात करें। बाहर वाला क्या कर रहा है, मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव और उनका एक अलग बेनिफिट होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ ये कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई, क्या इसका बैकग्राउंड है, और सारे इंटरव्यूज देखने के बाद में। तो सबसे पहले ये था कि अदनान ने इफ़त को अपनी शादी में बुलाया नहीं, ना ही उसने अपनी बहन की शादी अटेंड करी। अब यहाँ पे लोग बोल सकते हैं कि हाय, अपनी बहन की शादी क्यों नहीं अटेंड करी, और अपनी शादी में बुला लेता बहन को छोड़ के, कैसे खुशियाँ मना रहे हैं, हाउ कैन दिस पर्सन बी हैप्पी, इतना ज़्यादा खुश है और अपनी बहन को पूछ भी नहीं रहा, तो वो तो गुस्से में आएगी। बट थिंक अबाउट इट, ऐसा हुआ क्यों? जब भी किसी फैमिली में लड़ाई होती है तो कौन गलत है कौन सही है, पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, राइट। अभी उनके फादर का भी इंटरव्यू आ गया है, वो भी बता रहे हैं कि शुरू से इस लड़की ने कितना उन लोगों को बॉदर किया है। 19 साल की उम्र में जब उसकी मम्मी बीमार थी, राइट, आप खुद सोचो, आपके फैमिली में सोचो, आपकी मम्मी, आपके पापा, कोई भी घर का मेंबर अगर इतनी बुरी हालत में, तब आप अपनी अय्याशी और अपने लव मैरिज के बारे में सोच सकते हो, नहीं सोच सकते ना। इसने उस टाइम पे, उस मतलब नाजुक मोमेंट्स पे, जहां फैमिली को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, उस टाइम पे ये मैडम इश्क लड़ा रही थी। बहुत सारे लोग करते हैं यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बहुत कॉमन हो गया है, बट आप एकदम खुल के नहीं करते ना, अपने घर में आप बिल्कुल दंगा नहीं मचा देते हो कि नहीं मैं तो प्यार करूंगी, मैं तो शादी करूंगी, मैं तो ये, मैं तो वो। ये एक तरीका होता है, राइट, यू आर लाइकिंग समबडी, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, फिर आप अपने घर वालों को अप्रोच करते हो, बताते हो, घर वाले नहीं मानते, फिर उसके बाद आप दोबारा से थोड़ा टाइम ले करके बताते हो, और अगर आपका डिसीजन सही है तो फिर आप एकदम नंगा ही नहीं मचा देते हो, ठीक है, धीरे से आप बताया, आपको नहीं रहा जा रहा दूसरे में। पहली बात तो मेरे हिसाब से घर से भाग के शादी करनी नहीं चाहिए, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं और उनको उस चीज़ में प्रॉब्लम है, क्योंकि घर वाले कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ही चाहते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में, 95% केसेस में घर वाले हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है अच्छी जगह शादी करके जाए, ना कि किसी गंजेड़ी शराबी के साथ फंस जाए। तो इनका जो पहला चॉइस था वो इसी तरीके का लड़का था, अदनान के साथ उठना बैठना, या अदनान जानता था कि वो लड़का किस तरीके का है, उसने मना किया कि ये लड़का ठीक नहीं है, इसके साथ शादी मत करो। बट दिस गर्ल, अब आप बोलो कि टीनेज होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत, आई अंडरस्टैंड, बट यार इतनी अंडरस्टैंडिंग हर लड़की के अंदर, लड़कियों के अंदर मैच्योरिटी लड़कों से ज्यादा आ जाती है। एक बार को लड़का भगा के ले आता है, आप फिर भी सोचते हो कि यार एकदम कैसा लड़का है, लेकिन लड़कियां तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स के तरफ मतलब अटैच्ड होती है ना, वो कभी नहीं ऐसा सोचती कि हम अपने माँ बाप को बिल्कुल खून के आंसू उस तरीके से रुलाएं, अपनी माँ की तबीयत खराब है और उसमें आप घर से भाग के चले जाओ। तो जब कोई लड़की घर से भाग जाती है, किसी भी एज में हो, अपने घर वालों की इज्जत को बिल्कुल ताक पे रख के, तो घर वाले उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे, राइट। उनके लिए फिर वो एक सरदर्द बन जाता है कि भाई यार अब ये लड़की एक बार भाग गई,
अब फिर आ गई है फिर भाग जाएगी, फिर आ गई है फिर भाग जाएगी. सो लेट मी टेल यू क्लियरली, आपको मेरे वर्ड्स काफ़ी हार्श लग रहे होंगे, बट जिनके घर में जिन लोगों के साथ ये बीता है, जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, उनकी सिचुएशन सोचो कि एक लड़की ने पूरे घर की नाक में दम करके रखा हुआ है, अब उसको क्या करेंगे. ठीक है, और ऊपर से ये लड़की ऐसी भी नहीं है कि ये चुप रहे थोड़ा सा, अगर इसको कोई कुछ गलत के लिए बोलता है कि दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, तो ये उल्टा चढ़ जाती है उनके ऊपर. हाँ तो मैं तो करूंगी ये वो. अरे ये तरीका थोड़ी होता है. दिस इज हाउ यू टॉक टू योर एल्डर ब्रदर एंड दिस इज हाउ यू विल टॉक टू योर फादर. आप अपने घर वालों के बड़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनसे बात करने का तरीका नहीं है, तो फिर तो तुम पिट गई ना. उसने भी भाई उनका भी गर्म खून है, उन्होंने भी मारा इसको पीटा, फिर उसके बाद ये पुलिस स्टेशन चली गई, इसने रिपोर्ट लिखा दी और वहां से इसने लड़के वालों का साथ दिया, मतलब अपनी जो पहली शादी थी उन लोगों के साथ मिलकर इसने अपने भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी. आप एक बात बताओ, कोई भी घर की लड़की अगर अपने ही घर के भाइयों पे पुलिस में रिपोर्ट लिखाएगी तो उसके पेरेंट्स उसकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे या उसको कितना समझेंगे. मेरे घर में तो भाई नहीं होता. अगर मैं अपने भाइयों के खिलाफ इतना अगेंस्ट जाकर कितनी नंगाएं मचाती, मेरे घर वाले कहते बेटा तुम जहां भी रहना है रहो, सुकून से रहो, हमारे घर में एंट्री मत लो. दिस इज लाइक दिस इज हाउ माई हाउस रन्स. ठीक है ना, अब आप यहाँ पे सही या गलत मत बोलो. आप इसके डिसीजन से सोच सकते हो कि ये लड़की कितनी सेल्फिश थी, कितने गलत डिसीजन लेती थी अपने लाइफ में, और कितना ज्यादा अपने भाइयों के ऊपर चढ़ के रहती थी और उनको परेशान करती थी, एक मेंटल पीस ही डिस्टर्ब कर दिया था. अब यहाँ पे आप ये मत लेना अदनान खुद भी तो ये करता है, खुद भी तो ये करता है. नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली इशूज, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ फैमिली मेंबर शुड बिहेव विद ईच अदर, राइट. यहाँ पे अदनान कुछ करता है या नहीं करता है, अदनान एटलीस्ट मतलब किसी अपने घर वालों के ऊपर पुलिस कंप्लेंट तो नहीं लिखा रहा था ना. अदनान जो भी कर रहा था, सड़कों पे नाच रहा था या पिट रहा था या किसी लड़की के साथ रह रहा था, बट उसने अपने घर में किसी के ऊपर भी FIR नहीं करी हुई थी. ठीक है, तो अब उसके बाद में इस लड़की का एक पैटर्न है, इसको हर चीज रिकॉर्ड करनी है. अगर इसके फादर इमोशनल है तो इसको वो भी रिकॉर्ड करना है. मैंने इसके इंस्टाग्राम पे ये भी देखा कि इसके फादर बेचारे इमोशनल हो रहे थे, किसी चीज को लेके परेशान थे या सैड थे, तो इसने उस वीडियो कॉल को तक रिकॉर्ड किया. मतलब योर फादर इज क्राइंग एंड यू आर रिकॉर्डिंग हिम, और बाद में उसको तुम यूज भी कर रही हो. कैन यू इमेजिन कि ये लड़की कितनी ज्यादा शातिर और कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कंसिडरिंग अपने फैमिली मेंबर्स को कितना नुकसान पहुंचा सकती है. अपने पापा को बोल रही है गिरगिट, मतलब तुम्हारे पापा ने कितना भी कुछ भी किया हो, यू कांट कॉल हिम ग्रिगेट, राइट. अभी का टाइम अलग है, अभी का कंपटीशन अलग है, सो यू कांट जज योर पेरेंट्स ऑन दैट बेसिस कि हाँ मारा कैसे, बोला कैसे. भाई 90s के 80s के सारे बच्चे पिटे हैं, शरीफ से शरीफ बच्चे की भी पिटाई लगी है, मेरी भी पिटाई लगी है. मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर के पुलिस कंप्लेन कर दूं. अगर मेरे पेरेंट्स मुझे मार रहे हैं तो मैं उनके सर के ऊपर चढ़ के बिल्कुल तांडव करने लगूं, और अगर मैंने किया और उन्होंने मारा होता तो उसके लिए मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती, राइट. तुमने गलती करी, तुम गलती करोगे तो पिटोगे ही. भाई हम वहां पे अमेरिका में या जर्मनी में या नॉर्वे में तो पैदा नहीं हुए कि वहां चाइल्ड राइट, ये राइट, वो राइट. दुनिया भर का ऐसा है कि बच्चे को मार दिया तो पेरेंट्स ही जेल के अंदर चले गए. बट मेरे हिसाब से अदनान और इफ़त और इनके पेरेंट्स के स्टेटमेंट को सुनने के बाद मुझे यकीन है कि इस लड़की ने इतना ज्यादा नाक में दम कर दिया अपने घर वालों के कि घर वाले भी क्या करेंगे. घर वाले कहेंगे तुम्हें जो करना है करो, बट एटलीस्ट हमारा पीछा छोड़ो, राइट. बट इसको वो भी नहीं करना. अब जब इसके भाई की शादी का टाइम आया तो इसकी इसके भाभी के साथ कुछ अनबन हो गई. आप एक बात बताओ, जिस लड़की की शादी हो रही है अदनान से, तुम अगर उससे नहीं बना के रखोगी तो क्या वो चाहेगी कि तुम्हें सर आंखों पे रखा जाए. तुमने उसी से लड़ गई, मतलब तुम अपनी भाभी से ही लड़ गई, वो भी शादी के पहले, और तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की लव मैरिज है. तुम कहती हो उसी की वजह से सारी लड़ाइयां हुई. नहीं, तुम 19 साल की उम्र से तांडव मचा रही हो, उस टाइम से लेके लड़ाइयां हो रही हैं, और तुमने अपनी एक इज्जत, एक इमेज और एक प्यार अपने फैमिली में अर्न किया ही नहीं कभी, कि एक लड़की आई और उसने तुम्हें छुड़ाने में एक मिनट भी नहीं लगाया तुम्हारी ही हरकतों की वजह से, राइट. अगर तुमने वो रिस्पेक्ट अर्न करी होती, अगर तुम एक शरीफ बहन होती, अगर तुम्हारी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते कि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते नहीं यार हमारी बेटी बहुत अच्छी है, तुम किस लड़की की बातों में आ रहे हो. तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था पुराने टाइम से लेकर के वो ऐसा ही था, तो तुम्हारे लिए क्या बोला जाएगा, तुम्हें दूर रखा जाएगा घर से. वही किया तुम्हारी शादी में, तुम्हारे भाई ने शादी नहीं अटेंड करी क्योंकि उसने बोला वहां से दहेज की डिमांड थी. हो भी सकती है क्योंकि तुम्हारे मुझे फैमिली वाले ग्रीडी लगते हैं, क्योंकि जब तुम उनको रिकॉर्ड करियो कुछ करियो तो आईफोन दे रही हो, तो तुम्हारी सास का मुंह ऐसा ही है बिल्कुल, कि मतलब कोई ज्यादा मजा नहीं आया, मुझे तो बेटा 2 BHK की डिमांड थी, ये तुम क्या फोन ओन में मुझे टरका रही हो बेटा.
तो तुम्हारी सास शक्ल से ही लालची लग रही है एंड शी इज, और तुम कहीं पे भी घूम रही हो, कोई पुलिस स्टेशन जा रही हो, यहाँ जा रही हो, लोकल में घूम रही हो, अकेले घूम रही हो, योर हस्बैंड इज नॉट अकम्पनीइंग यू, तुम्हारे व्लॉग्स मैंने देख लिए, ठीक है, एक जगह तुम्हारे हस्बैंड ने जाकर के जगह जगह इंटरव्यू दे दिया है तुम्हारे साथ खड़े होके, वो इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड खुद तुम्हारी फैमिली को लाइक नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की तरफ से, भाई की तरफ से उसको कुछ मिला नहीं है, अभी मिला होता तो चुपचाप बैठा होता, मेरा साला सबसे अच्छा भाई, कितना अच्छा, मेरे साले के अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये है तुम लोगों की रियलिटी, राइट, तुम मतलब भाई भाभी माँ बाप सबकी जिंदगी हराम करके बैठे हुए हो, तुम अपनी फैमिली में रहो ना, तुम ये सब जो कर रही हो इससे पता है क्या हो रहा है, इससे तुम्हारी खुद की फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कभी एज अ बेटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस नेचर के साथ में, जो लड़की अपने घर वालों की इतनी ऐसी तैसी कर सकती है वो मुझे लगता है 5 साल बाद ही अपने ससुराल वालों पे केस करे, 5 साल भी मैंने बहुत दूर की बात बोली, अभी 2 साल बाद ही कर देगी अपने ससुराल वालों पे केस कि मुझे मारते हैं पीटते हैं दहेज के लिए, मेरे ससुराल वाले खराब हैं, तो ऐसी लड़की जिसको किसी से खुशी नहीं मिलती आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड रही बात अदनान की, मैं अदनान को कोई शरीफ कोई ऐसा अच्छा लड़का नहीं बोल रही कि भाई हाय दीनी लड़का ये वो, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ फैमिली मैटर को डिस्कस किया है, और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कभी भी एक तरफा फैसला नहीं लेते हैं, वो दोनों साइड्स को देखते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा गलत है, अब एक लड़की इतनी बदनामी करे जा रही है उनके घर की तो वो क्या करेंगे, वो बैठ करके देखते तो नहीं रहेंगे हाथ पे हाथ रख के, इसने एक इंटरव्यू हो दिया हो दो दिया हो, इसने ना जाने कितने चैनल्स पे जाके इंटरव्यूज दिए हैं और अदनान को फैमिली को पूरा बदनाम करने की कोशिश की है, इसके हस्बैंड ने ये भी बोल दिया कि इसके फादर भी बहुत गलत बिहेवियर इसके साथ करते थे लेकिन हमने कुछ अभी उनके बारे में बोल नहीं रहे, तो उन्होंने आकर के सब बता दिया कि ऐसी लड़की होने से अच्छा है कि बे औलाद रहो, मतलब आपको एक ही दुख है कि आपकी औलाद नहीं है, बट एटलीस्ट रोज रोज का दुख तो नहीं है कि इस तरीके की औलाद है, तो इफ्फत ने बहुत ज्यादा अपने घर वालों के नाक में दम किया हुआ था, उस चक्कर में उसके भाई की शादी के टाइम पे उसने एक मौका ढूंढा कि मुझे शादी में नहीं बुला रहे तो अब मैं उसको बदनाम करती, उसने बोला कि मैं सॉरी मांगने गई थी, दिस इज हाउ यू से सॉरी टू समबडी, के मतलब उसकी वाइफ को बदनाम कर रही हो, उसकी वाइफ की फोटोज लीक कर रही हो, उससे भी तुम्हारा काम नहीं बना क्योंकि तुम्हें इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिली तो तुम सीधे चैनल पे चली गई जाके इंटरव्यू देने लगी कि उसने कन्वर्ट कराया है, उसने ये कराया है, उसने वो कराया, मैं इस टॉपिक पे भी बात करूंगी ये कन्वर्जन वाले टॉपिक पे, बट अभी हम एक फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इफ्फत को उसका बेनिफिट नहीं दे सकते कि अदनान ने कन्वर्ट कराया तो इफ्फत ठीक है, आप फैमिली हो, आपके फैमिली में आपका भाई आपका बहन कोई काम करते हैं तो आप अगर आपके साथ गलत नहीं करे तो आप उनको हर चीज पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, और भाई बहनों लेडीज प्लीज सुन लो कि अगर आपके भाइयों को किसी से शादी करनी है उसको वो पसंद है तो करने दो, बाद में उनका मैटर है उनकी लाइफ है, एक लिमिट से ज्यादा अपने भाइयों की जिंदगी में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आप उनको जो उनका डिसीजन है उनका लाइफ पार्टनर है जैसा उन्हें चूज करना है करने दो ना, आपके उसमें इंटरफेयर करने से ना आपकी ही जगह मतलब खराब होता जाता है मैटर, तो मुझे तो यही लगता है कि नंदों को स्पेशली लड़कियों को अपने भाइयों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो डिसीजन मेकिंग, हाँ वो आपका भाई पूछ रहा है कि तुझे कैसी लगी हमारी जोड़ी कैसी लग रही है वो एक अलग बात है, बट बिल्कुल घुस मत जाओ कि नहीं मुझे तो ठीक नहीं लग रही, मुझे तो ये बहुत तेज लग रही है ये वो, ये इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, योर ब्रदर विल एनालाइज विद टाइम, थोड़ा शादी के पहले वो बात करें फोन ओन पे, फिर शादी करें फिर पता चल जाएगा, बट बाद में भी जो भी लड़ाइयाँ होती हैं इश्यूज होते हैं यार इतना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है दूसरे की, क्योंकि अलग अलग आपको रहना है, आपकी फैमिली अलग रहेगी आपके भाई की फैमिली अलग रहेगी, क्योंकि आप बुरे हो जाते हो हस्बैंड वाइफ बाद में एक हो ही जाते हैं, भले ही उनकी कितनी भी भयंकर कितनी भी मतलब घमासान वाली लड़ाई क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ इवेंचुअली एक ही हो जाने हैं और बुरे बन जाओगे आप, वो भी लाइफ लॉन्ग याद रहेगा उसकी बीवी को कि भाई ये तो मेरे खिलाफ बोलती है, ये तो मेरी सगी है ही नहीं, सो मैं क्यों इसको समझूं, तो ऐसे ही होता है भाई, तो इफ्फत शेख प्लीज अपने अंदर थोड़ा शहूर लाओ, अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, जाती हो पुलिस स्टेशन में वहां पे रिकॉर्डिंग करने लग जाती हो कहीं, अब तुम क्या दिखा रही हो, मैं सर्टिफिकेट्स में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी ये थी वो थी, हाँ हो तो करो ना, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, बट डोंट प्रिटेंड, भाई अदनान को कितना IAS IPS बना दिया, जहां पे उनके पेरेंट्स ने अपने लड़कों की स्कूलिंग कराई उसी लेवल के स्कूल में अपनी लड़की की भी कराई, तुमने बोला मुझे UPSC की कोचिंग करी है उन्होंने एडमिशन कराया, अब तुम क्या चाहती हो, भाई अदनान ने तरक्की कर ली वो देख देख के तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक लड़का रेंज रोवर में घूम रहा है, अब मुंबई में अपना खुद का फ्लैट ले लिया, मतलब इसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इसका भाई इतनी तरक्की कर गया और ये अभी तक वहीं रह गई, तो तुम भी नाच लेती तुम भी यही सब कर लेती, तुम क्यों बोलती हो हम नाचने वाले थोड़ी हैं हम ये नहीं है, मतलब तुम दूसरे को पुट डाउन करे जा रही हो स्पेशली अपने भाई को, तुम कितना ज्यादा उसको पुट डाउन करने के चक्कर में अपना ही गड्ढा खोदती जा रही हो। और रही बात कन्वर्जन की, सो रिलीजन में जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लाइक यू हैव टू स्टडी दैट रिलीजन, उनकी रिलीजन की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है, आप अगर कोई इंसान सिर्फ शादी करने के लिए सिर्फ एक के दिल को रखने के लिए एक की बात मानने के लिए रिलीजन में कन्वर्ट कर रहा है तो मुझे तो यार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप एक रिलीजन के तरफ ही लॉयल नहीं हो, जो ऊपर वाले का ही सगा नहीं है वो कभी भी
डामाडोल हो सकता है, जैसा कि इसकी बोलता है अदनान के रेंज रोवर है, फ्लैट है, तो क्यों नहीं मुझसे वो शादी करेगी। हाँ लड़कियां कर लेती हैं भाई, एक लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है, एक लड़का है जिसके पास सब कुछ है, तो लड़की बोलेगी हाँ मैं इससे शादी कर लेती हूँ। मे बी शी लव्स अदनान, मे बी आई एम नॉट श्योर कि क्या है क्या नहीं है। अब शादी करी है, अपने उसने भी अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, तो यार मुझे तो ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी लगती नहीं है जो अपनी फैमिली को छोड़ देती हैं पूरी तरीके से, और इतना ज़्यादा बदनामी करती हैं कि उसकी फैमिली इवन शादी तक नहीं अटेंड कर पाती है। तो मुझे तो यार ऐसे लड़कियों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट है नहीं। बाकी उनका आपस का है, वो लोग जाने। अदनान ने आके अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उसकी बीवी ने अदनान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो आई कांट से मोर ऑन दिस कि वो किस तरीके की वाइफ है या हस्बैंड है। हाँ, और अगर किसी ने अपने मर्जी से रिलीजन कन्वर्ट किया है अपना, लाइक हिंदू टू मुस्लिम, मुस्लिम टू हिंदू, हिंदू टू क्रिश्चियन, मतलब किसी भी रिलीजन में कहीं पे भी कन्वर्जन अपनी खुद की मर्जी से की, मतलब खुद के मन से किया है, लाइक खुद को एहसास हुआ है कि यार मैं अभी इस रिलीजन में थी बट मुझे लगता है कि लाइक दिस इज लाइक मुझे इसको फॉलो करना चाहिए, तो उसकी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस होती है, उसको हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बट इफ समबडी इज यूजिंग रिलीजन टू गेट समथिंग लाइक दुनियावी बेनिफिट के लिए, दुनिया के किसी बेनिफिट के लिए कि मुझे दुनिया में इससे ज़्यादा नाम मिल जाए या पैसा मिल जाए या अपने आप को रिलीजियस दिखा करके ज़्यादा लोगों की सिंपैथी या लोगों का परसेप्शन मेरे खिलाफ चेंज हो जाए, और बैकग्राउंड में आप कुछ भी कर रहे हो, राइट? तो रिलीजन को यूज़ करना इज नॉट गुड। जो रिलीजन को यूज़ करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इधर से उधर कन्वर्ट करते रहते हैं, तो वो ऊपर वाले के भी सगे नहीं हैं, और जो ऊपर वाले के सगे नहीं हैं वो तो फिर किसी के भी सगे नहीं हैं। जहाँ जहाँ उनको बेनिफिट लगेगा वहाँ वहाँ वो चलते फुदकते घूमते रहेंगे। तो और अदनान, सब लोग कह रहे हैं कि अदनान बाहर पिटता रहता है अपने बहन को, क्यों मारा, ये मारा, वो मारा। भाई मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर में पिटाई करनी चाहिए, बहन की, भाइयों की, किसी की पिटाई करनी चाहिए, बट जब हम बड़े हुए हैं ना तो हमें भी पता है कि हम शैतानी करते थे तो हमारी पिटाई लगती थी, तो घर में मारना पीटना इज़ लाइक कॉमन। अब आप बोल रहे हो बहुत बुरी तरीके से मारा है, बहुत गंदी तरीके से मारा है, तो अगर उसने इतना ज़्यादा आपके साथ गलत किया है देन वाई यू आर वेटिंग फॉर दिस टाइम? अभी क्यों बिल्कुल पागल हुए जा रहे हो उसको बदनाम करने के चक्कर में? और अगर आपको वाकई में दुख होगा ना, अगर आपको वाकई में बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट हुए होगे, तो सोशल मीडिया में ये नहीं मैं शेरनी, मैं ये, मैं वो रील्स बना रही हूँ, मतलब ये इंस्टाग्राम फाइट है या कौन सी फाइट है, जाके आप केस करो। डोंट यू ट्रस्ट इन जुडिशरी? आपको मतलब इंडिया के कानून पे भरोसा नहीं है? हाँ मैं मानती हूँ टाइम लगता है, लेकिन आपको इंसाफ वहीं से मिलेगा, यहाँ पे बैठ के कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप बोल रही हो मुझे 100,000 लोग देख रहे हैं, मेरी रील्स को 100,000 लोग देख रहे हैं, सो इज इट अ प्राउड थिंग फॉर यू कि मेरी रील्स को 100,000 लोग देख रहे हैं, जिसमें तुम अपने पापा को ग्रिगेट बोल रही हो, अपने भाई को और अपनी भाई की वाइफ का भी फेस दिखा रही हो, खुद फेस कवर करके आ रही हो, लाइक वाह वाह वाह। अभी तो वो नहीं दिखा रहा ना, अभी नहीं दिखा रहा तो तुम भी मत दिखाओ, जब उसको दिखाना होगा तुम भी दिखाना, तुम तो घर की मेंबर हो, तुम क्यों कर रही हो ऐसा, राइट? तो अदनान बहुत ही राइट है मेरे हिसाब से, ऐसी टॉक्सिक सिस्टर्स को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और अदनान के पापा भी बिल्कुल राइट हैं इस मैटर में कि भाई जिस लड़की ने इतनी बदनामी कर दी, इतना ज़्यादा इंटरव्यूज दे दे के इतना घर का नाम खराब कर दिया। अभी तक अदनान का जो भी था, जो रोस्ट कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, घर की बात घर में थी, राइट? घर की बात बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन इस लड़की ने पूरे फैमिली की ऐसी तैसी मचा दी सिर्फ और सिर्फ खुन्नस में, सिर्फ और सिर्फ नफरत में कि मेरी शादी में मुझे कुछ दिया नहीं, नहीं और मुझे शादी में बुलाया नहीं। इस चक्कर में ये बिल्कुल पागल हो गई, बौखला गई। अगर आज भी अदनान इसको बुला करके कुछ लेना देना कुछ कर लेगा ना, लाइक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कुछ हो जाएगा, मेरे भाई से अच्छा कोई नहीं है। ऐसी बहनों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो पैसे के लिए अपने भाई की सगी हो जाती है और जो कुछ ना मिले तो अपने भाई की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। उसके पेरेंट्स का भी गलत एक्शन का रिएक्शन निकला है, लेकिन एक्शन इसी की तरफ से हुआ है, तुमने भी अपने घर वालों के नाक में दम कर दिया था। तो मेरे हिसाब से यही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।